हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज की आपकी टू मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था जिसमें कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई हुई थी ये पिक्चर क्या सिग्निफाई कर रही है कि ईस्ट अफ्रीका के बुरुंडी जगह में राइट right, देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने घरों से बहुत ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन हो रही है इसका जो रीज़न दिया गया है दैट इज़ कि लेक तंगनी का जो है देखा गया है कि इसमें जो वाटर लेवल्स हैं बहुत ही ज़्यादा राइज़ हो गए हैं अब क्योंकि वाटर लेवल्स बहुत ज्यादा राइज हो गए हैं सो पीपल आर नॉट एबल टू लिव देर एनीमोर देखा गया है कि बच्चे जो है स्कूल भी पानी से होते हुए जा रहे हैं अगर आप देखें कुछ इसी तरह की पिक्चर जो है देखी गई है दैट पीपल आर एक्चुअली माइग्रेटिंग फ्रॉम दैट रीजन बहुत ही ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखी गई है और इसका रीज़न क्या माना गया है कि इस पर्टिकुलर लेक में बहुत ही ज़्यादा वॉटर लेवल राइज हो गया है ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज माइग्रेशन पे पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है और पहले बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आया था 2015 में सवाल अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं तो 2015 में आपसे पूछा गया था कि लेबर माइग्रेशन जो है उसमें आउटसाइड इंडिया जो लेबर माइग्रेशन हो रही है उसके ट्रेंड्स को डिस्कस कीजिए तो तब से ही माइग्रेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना, माना गया है और इन जनरल अगर आप देखें माइग्रेशन या कोई भी अगर माइग्रेट कर रहा है कहीं तो देखा जाता है ड्यू टू सर्टन रिसोर्स या लेट से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ इस तरह के रीजन माने जाते हैं लेकिन एक नए सेट ऑफ माइग्रेंट्स देखे जा रहे हैं जिन्हें आप कहते हो क्लाइमेट माइग्रेंट जो कि माइग्रेट कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो क्योंकि ये थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है इसलिए भी ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब हमारा पढ़ने का तरीका आज से थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमने देखा है कि प्रीलिम्स uh, में भी यूपीएससी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से सवाल पूछ, रहा है, बहुत करके सवाल पूछ रहा है तो आज हम जो डिफरेंट तरीके से, से पढ़ेंगे।, हम को पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक आपका क्या है कि एनसीआर जो है माइग्रेशन के बारे में क्या कहती है दूसरा वील डू मैप बेस्ड पॉइंटर्स की बुरूंदी यदि न्यूज में रही है ये पर्टिकुलर लेक रही है, so जो है हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से तीसरी चीज में डाउन टू अर्थ में जो पूरा एलैबोरेट आर्टिकल था वहां मेंस के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कौन कौन सी जगह पे आप इन पर्टिकुलर चीज का एग्जांपल यूज कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट थिंग वुड बी जो है हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे दिया जाए जो आप अप अपने एम्ट के लिए सॉल्व करेंगे ठीक है जी तो अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले देखते हैं माइग्रेशन के बारे में एनसीआरटी क्या कहती है तो अगर अपनी क्लास ट्वेल्थ की एनसीआर देखेंगे तो वहां पे कहा जाता है कि माइग्रेशन दो फैक्टर्स की वजह से होती है कुछ होते हैं आपके पुश फैक्टर्स कुछ होते हैं आपके पुल फैक्टर्स पुल फैक्टर्स में क्या होता है पुल का मतलब है चीज को आपने अपनी तरफ खींचा इसका मतलब है ये वो फैक्टर्स होंगे जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सो दीज आर फैक्टर्स जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और इन अट्रैक्टिव फैक्टर्स की वजह से लोग जो है इन रीजन्स में माइग्रेट कर जाते हैं लेकिन दीज आर नॉट दी फैक्टर्स माइग्रेशन इसलिए भी होती है बिकॉज पीपल लीव देयर प्लेसेस बिकॉज उनके रेजिडेंस या ओरिजिन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ वो और ज्यादा नहीं रह पाते एंड दीज फैक्टर्स पुश पीपल अवे फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड दीज फैक्टर्स आर रेफर टू एज योर पुश फैक्टर्स तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आता है कि पुश फैक्टर्स क्या होते हैं पुल फैक्टर्स क्या होते हैं तो आपने माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी का भी कंटेंट जो है पढ़ लिया है सेकेंड पार्ट ऑफ आर लेक्चर में हम देखेंगे मैप बेस्ड पॉइंटर्स बिकॉज हम बुरूंदी की बात कर रहे हैं अगर आप ये रेड रीजन देखें अफ्रीका में दिस इज बेसिकली ओ बुरूंदी तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बुरुंडी को एक्चुअली सराउंड uh, कर रही हैं अगर मैं आपको दिखाऊं दिस पिंक रीजन क्वेश्चन से कौन सी कंट्रीज है जो बुरूंदी को सराउंड कर रही हैं उसके बारे में भी अब आपको काफी कैटेगोरिकली पता है राइट right? तो बुरुंडी के बारे में हमने पढ़ लिया लेकिन मेजर न्यूज क्या थी आपकी कि लेक टी जो है इसका जो लेवल है ये बहुत ज्यादा राइज हो गया है सो बेसिकली अफ्रीका में कुछ लेक्स हैं जिनको कलेक्टिवली ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं इन लेक्स में से तीन ऐसे लेक्स हैं जो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लेक विक्टोरिया लेक मलावी एंड द लेक टी दैट वी आर रेफरिंग ठीक है जी तो ये तीनों ही लेक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल दो और भी लेक्स है जो इनका पार्ट माने जाते हैं लेकिन आपको ये तीन लेक्स जो लेको डेफिनेटली पता होने चाहिए लेक विक्टोरिया लेक तंगानिका एंड लेक मलावी अब इसमें क्योंकि हम एक स्पेसिफिक लेक की बात कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड कंटेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक टी की स्पेशलिटी क्या है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम एंड ऑल्सो बाय डेप्थ ठीक है बाय द वे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है रशिया में है लेक बैकाल राइट right? समर अली लेक विक्टोरिया का अगर आप देखें तो बाई एरिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड हो जाता है तो ये दोनों ही लेक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों का ही कंटेंट जो है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा हमने पुश फैक्टर्स को 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 देखा देखा हमने उन कंट्रीज जो को जो है सराउंड कर रही है। और हमने ग्रेट लेक्स लेक्स के तीन लेक लेक टी लेक विक्टोरिया एंड लेक मलावी को भी समझा है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो भी चीजें दी हुई थी डाउन टू अर्थ में उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने मेंस स्प्रे तो एप्लीकेशन पार्ट भी हम देखेंगे। अगर आप देखो तो दर्टिकल सेट कि पास टू से देखा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा हो रही राइट हेवी रेंज की वजह से फ्लड्स हो रहे हैं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जिससे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर लेक का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है वी रेन फ्लड लेलाइड जो कि यूजली नहीं होती हैं इतनी ज्यादा बट अब हो रही हैं इनको जो है ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है एज क्लाइमेट शॉक रेफर कर रहा है तो वेरी वेरी गुड वर्ड टू बी यूज अगर आप अपने में कभी भी के बारे में लिखें और स्पेसिफिकली क्लाइम से माइग्रेट कर रहे हैं कुछ कर सकते हैं। और इसका भी आप दे सकते हैं कि देखा गया है कि इस पर्टिकुलर लेक में सो मच so तो बहुत ज्यादा जो है बुरूंदी में देखा गया है कि इंटरनल माइग्रेशन जो है बढ़ गई है और नहीं जो ये पर्टिकुलर

भी को दे सकते हैं एंड इन जनरल अभी आपने मान लीजिए पुश एंड पुल समझे माइग्रेशन समझी आपने अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्लाइमेट माइग्रेंस क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझा रोल ऑफ एनजीओ समझा तो कभी भी आप इन चीजों से ऐसे लिखते हैं वहां पर भी आप इन पॉइंट्स को जो है डेफिनेटली यूज कर सकते हैं तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे एक छोटी सी लिस्ट भी दे दी है कि इन चीजों में जो है आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं ठीक है जी तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वी शुड ऑलवेज एंड व क्वेश्चन ऑफ़ द डे तो जिस तरह से ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है उसी तरह से ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी है उन्हें लोरेंशन ग्रेट लेक्स भी कहते हैं तो आप इन चारों में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन है आपका या कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या लोरेंशन ग्रेट लेक्स को जो है सिग्निफाई करते हैं और आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आंसर जो है क्या होना चाहिए तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं हमने यही हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत से ज्यादा कंटेंट आपको देते जाएं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते जाएं सो so दैट आप बहुत ही एक्सेल करें अपने एग्जाम ठीक है जी सो दिस ऑल फ्रॉम माई दोस्तों ऑल द बेस्ट बाय